गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। अगर आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वी आर सो हैप्पी टू टेल यू दैट लास्ट वीक वी हैव क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। योर लव एंड सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। This Sunday is the first in a four-week-long series in which Pastor Moses David will be teaching us from Zephaniah 3:14-15. आज के वचन का विषय है कि यहोवा ने हमारे दंड को दूर कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि कैसे दूर कर दिया है। इसी सवाल का जवाब आज पास्टर मोसेस डेविड आज के वचन में हमें सिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए उस यहोवा की हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। वी आर वेलकम इन द नेम ऑफ जीसस। वेलकम टू आवर वर्शिप सेट दैट वी आर गोना डू दिस मॉर्निंग as we celebrate the love of Jesus. आज अपूर्व कलीसिया में हम यीशु मसीह के प्रेम का आनंद उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन गीतों के द्वारा, जब हम यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करते हैं, आप सबको न्योता देते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाइए। जहां कहीं भी है, आज यीशु मसीह आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है। The Lord Jesus Christ today wants to touch you and fill you with his love, with his overflowing love. Hallelujah. Amen. And my prayer is, each one of us, our prayer is that today you would receive that love of Jesus. And as you worship him, as you lift up your voices to him, as you lift up your hearts to him, ek naye geet ke saath jab apne haathon ko utha kar uski gungaan gaate hain, hamari prarthna hai ki yeshu masih ke prem se aap और भी भर जाए। हालेलुया। आमीन। थैंक यू यीशु मसीह, तू हमारा सवेरा है। हर नाम से ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम। हालेलुया। कम ऑन एवरीबॉडी, बिगिन टू लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस। तेरे सिवा न कोई मेरा।
on, lift up the name of Jesus. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है लगाते हैं प्रभु। We put up our faith in you, in your love, in your unfailing love, in your goodness that abounds, Lord, through all generations. Your faithfulness, your loving kindness. Superb. Thank you.
परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, so when there are prophets in a land, the Lord reveals himself to them in visions, and he would speak to them in dreams. But not so to the lovers of God, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके साथ प्रभु सिर्फ दर्शनों में ही बात नहीं करता, लेकिन उनके साथ फेस टू फेस बात करता है. हालेलुया. ही स्पीक्स टू द लवर्स ऑफ गॉड फेस टू फेस. हालेलुया. एंड ही रिवील्स हिज ग्लोरियस फॉर्म. हालेलुया. एंड लॉर्ड वी डिजायर टुडे कि प्रभु जी हम जब तेरी आराधना कर रहे हैं, जब प्रभु जी हम तेरे प्रेम में और दीवाने हो रहे हैं, अपने आप को हम पर प्रकट कर दे. हालेलुया. रिवील योरसेल्फ टू अस लॉर्ड. रिवील योरसेल्फ टू अस लॉर्ड टुडे. लेट दिस बी अ फेस टू फेस एनकाउंटर लॉर्ड. लॉर्ड टू ईच वन ऑफ अस हु इज वर्शिपिंग यू राइट नाउ, ईच ऑफ अस लॉर्ड हु आर हंग्री फॉर योर लव, लेट दैट लव एनकंपास अस around us with your unfailing love. Come on, cry out to him today. Cry out to him for this desire. Prabhu ji, tere pyar ki gehrai mein hame utarne de. Help us to come face to face. Thank you, Jesus. Open up our eyes, Lord. Open the eyes of our heart, Lord. Meri aankhein tu kho, ki tujhko main dekho. Mangu main wo jo tu chahe. Mere dil ki khwahish hai teri khoobsurti, meri nazar lagi tujh pe, meri aankhein tu kho, meri aankhein tu kho ki tujhko main dekhu.
To be one with you, Lord Jesus, that we would see what you see, that we would hear what you hear. Yeah.
We cry out, Lord, for your love. Your love upon each one. That today your love would become real, Lord, to the ones who do not know you. Ki Prabhu ji, jo aaj tujhe nahi jante, wo is prem ko aaj paale. Jo prem tune cruz par se hamare liye bahaya. सेकेंड कुरिन्थियंस 9:7 में लिखा है, ईच वन मस्ट गिव एज ही हैज डिसाइडेड इन हिज हार्ट, नॉट रिलक्टेंटली और अंडर कंपल्शन, फॉर गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। इस वचन को पढ़ते वक्त हमें समझ में आता है कि जो लोग हर्ष और उदारता से देना जानते हैं, उन लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है। यहाँ ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही है जो किसी के कहने पर या किसी के दबाव डालने पर देते हैं, लेकिन उनकी बात की जा रही है जो मौका मिलने पर पूरे हर्ष और उदारता से देते हैं। आइए, इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम पूरे हर्ष और उदारता से अपने बीज चर्च में बोए। आइए अब हम देखते हैं कि जो बीज आपने हमारे चर्च में बोए हैं, उससे हम लोगों के लिए कैसे मददगार ठहर पाए हैं। Come, let's pray. Upper Room Church, we want to say thank you. Before we give food, we pray and we thank Lord and we remember all the people, those who sow into this feeding program. So we want to pray for you. We also want to submit this food, sanctify this food into Jesus' hands. Lord, King of Kings and the Lord of Lords, we are so thankful for this food. So thankful for the provisions you have given towards us feeding these people, Father Lord. Lord, I pray
for all the people, those who are pouring into it directly, indirectly, through money, through services, through volunteering, Lord, we bless them, Lord. Thank you for allowing us to feed these people, Father, Lord. 301 food packets a day, every day feeding 300 people, Lord. Thank you for your faithfulness. We bless this food. We sanctify this food. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen. 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 Thank you. Thank you. Hi. Good morning. Let us read our Bible words. Then we want to share something with you. I'm reading Luke chapter 12, chapter 14, verse 12. And he also went on to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your neighbors or your brothers or your relatives. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Hallelujah. Upper Room Church, this is the core verse of what all we do. All of us invite people for lunch, you and me. We invite people, we give them food, and when we invite somebody, they invite us back and they repay us back. But when we are pouring into this wonderful kids and family's life, they cannot pay us back. They don't even know your name, they don't even know my name, they don't even know who we are. But our Lord, who sees our secret giving, He is going to reward you and me in publicly. That's what I pray. When you give food, Lord is going to bless you publicly. Amen. So I pray, as a family, as a church, as Jesus Kitchen, we pray that public reward is going to be in you and your family. Yes. Radhi, you want to say something and add something, and then we can have a word of prayer for entire Upper Room family. Thank you, Upper Room Church, for standing beside us. And you have been faithful since for the past so many months. And we really say that we love you, and thank you for the commitment and the faithfulness you are showing towards Jesus Kitchen. And not only we, but the whole team of Jesus Kitchen loves you. These people whom we are seeing, they love you. And as I am standing here and speaking to you, I can see the smiles on their faces. The smiles, not because I am standing here, but because they are receiving the food package that is coming from your houses. So thank you once again, Upper Room Church. Thank you. Upper Room Church, we have Uncle Menon with us, who is one of our volunteers, who have not even missed a single day every day, packing and going and feeding people and distributing it. He would like to share something with you, so you can listen to him also. Thank you. Thank you, Upper Room Church. Thank you for being with us. Thank you for being with Jesus Kitchen. And you have been so great that you have been doing, helping us from the very first day. And God bless you for this. We have been doing this for almost ever since the lockdown was there. I think it was the first time we did the this kitchen service was on 21st of April. And ever since that, we have been doing the service here on a daily basis. Approximately 300 lunches distributed to these children and elders here. And we would encourage you to be a part of this a service, and God is going to really bless you for this great service. These people are those people who cannot give us back anything but their blessings, and we are sure you'll join hands with us and be blessed. In Jesus' name we ask and pray, and all people said, Amen. Father Lord, we pray, King of Kings and the Lord of Lords, this month, in the days to come, each and every family, those who have poured into Jesus Kitchen, Upper Room family, they will publicly get rewards in their careers, in their business, in their family life, and wherever they go in ministry, whatever they do, you will publicly reward them. In Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen. Amen. Bye-bye. Blessings on you and your family. Hallelujah. You know, Jesus shared a parable, and he said that, you know, when a shepherd loses one sheep, he leaves the 99 to find that one sheep. And so is the Father in heaven. He rejoices over one soul that comes to him. Hallelujah. Aur aaj agar aap wo person ho jinhe Yeshu chhu raha hai, to jaan lo कि आज स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा, क्योंकि उसका प्रेम आपके लिए है. द लव ऑफ गॉड विच इज अ रेकलेस क्रेजी लव, एक ऐसा प्यार जो आपके लिए दीवानों की तरह
उसके हृदय से बहता है. As you find that love today, come to Jesus. Thank you, Lord. Overwhelming, never.
away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. लॉर्ड, फिर एक बार आज के दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूँ और वो गुड न्यूज हमको मिलता है सफन्या की किताब इसके तीसरे अध्याय के 14-15 वचन में। जब ये वचन आपके पास आ रहा है, आप विश्वास से इस वचन को रिसीव करें, विश्वास से ये जान ले कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या कर दिया है। क्या अद्भुत परमेश्वर का प्लान, क्या सुंदर परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन के लिए, हमारे बचाव के लिए की गई है। सफन्या की किताब इसका तीसरा अध्याय का 14-15 वचन हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा। हे इसराइल, जय जयकार कर। हे इसराइल, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। और प्रसन्न हो। वहाँ इज़राइल, यरूशलेम, सियोन का नाम लिखा है। आप उसको हटा कर अपना नाम वहाँ डाल सकते हैं और आप ये कह सकते हैं जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन, अपने आप से। जब दाऊद बातें करने के समय अपने मन से बातें करता है, ऐसे आप अपने आप से कह सकते हैं, हे मोसेस, जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर्ग से गा। मगर सवाल उठता है, क्यों जय जयकार करूं, क्यों आनंद करूं, क्यों ऊंचे स्वर से गाऊं? देखो आगे क्या लिखा है। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। नंबर टू, तेरा शत्रु भी दूर कर दिया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। नंबर थ्री, इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। और नंबर फोर, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगा। एक सीरीज मैसेज मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ इन चार पॉइंट्स के ऊपर, चार मुद्दों के ऊपर। और मैं चाहता इस सीरीज को आप ध्यान से सुने। आज हम पहली भाग की ओर देखेंगे जहाँ कहता मोसेस, जय जयकार कर, जहाँ प्रभु आपसे कहता है, आपकी आंखों में देखकर मेरी बेटी, मेरे बेटे, जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर्ग से गा, नाच ले, झूम ले। क्यों मालूम? क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर किया है। किसी बकरों ने, बछड़ों ने, किसी पशुओं ने, जानवरों ने नहीं, मगर परमेश्वर ने तेरा दंड दूर किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, ये सुंदर मैसेज है। मगर जब इस भाग को मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा, पापा आपने कैसे मेरे दंड को दूर किया? क्योंकि किसी जानवरों के लहू में दम नहीं था, किसी में दम नहीं था इस मोसेस के पापों को क्षमा कर सके, मेरे मैले गंदे जीवन को अपने अपने लहू से धोकर साफ कर सके। किसी में दम नहीं था कि मेरे खिलाफ लिखी हुई पुस्तकें जो मेरे लिए लिखी हुई है, मेरे जीवन की कहानियां परमेश्वर के पास लिखी हुई है, उन पुस्तकों में से मेरे खिलाफ लिखी हुए लेखों को मिटा सके। व्यवस्था जो मेरे खिलाफ पुकार पुकार कर दंड की आज्ञा कहती थी, उस दंड को मिटाने की ताकत किसी में नहीं थी, किसी धार्मिकता की बातों में नहीं थी, किसी रीति रिवाजों में नहीं थी, किसी पवित्र जीवन खुद के चलाए चलने के द्वारा उसमें भी इतना पावर नहीं था कि मेरे पापों को क्षमा करके मुझे बचा सके। मगर परमेश्वर कहता है, मोसेस, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया गया है। मोसेस, आनंद कर, क्योंकि तेरा दंड दूर कर दिया गया है।
मैंने पूछा पापा कैसे दंड दूर किया, क्योंकि जब मैं इब्रानी की किताब को पढ़ता हूँ तो इब्रानी का लिखने वाला कहता है, आप देखिए मेरे साथ में, आप खोलिए इब्रानी की किताब इसका 10वां अध्याय इसका 11वां वचन को हम पढ़ेंगे। देखो इब्रानी का लिखने वाला क्या कहता है, 10:11 में, हर एक याजक तो खड़े होकर नाउ इब्रानी न्यू टेस्टमेंट में है, मगर वो ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को, रीति रिवाजों की बातों को लिख रहा है और कहता हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, प्रतिदिन सेवा करता है। देखो एक भी दिन चूकता नहीं है, सेवक सेवा करने से चूकता नहीं है, प्रतिदिन सेवा करता है, पर और एक ही प्रकार के बलिदान को, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते। शब्द पर ध्यान देना, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, बार बार चढ़ाता है। मैंने इस याजक से पूछा तू क्यों बार बार ये बलिदान चढ़ाता है, याजक ये कहता है शायद अब की बार ये बलिदान स्वीकार कर लिया जाए। बार बार चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है, मन में कहीं ये सोच है, मन में कहीं ये कल्पना है, शायद ये बलिदान स्वीकार किया जाएगा जिससे याजक के भी पाप क्षमा होंगे, जिससे सारी प्रजा के पाप क्षमा होंगे, मनुष्य जाति के पाप क्षमा होंगे। मगर उस बलिदान में दम नहीं था, जिस बलिदान के विषय में इब्रानी की किताब में हिब्रू का लिखने वाला लिख रखा है, उसी बलिदान का थोड़ा सा खुलासा निर्गमन की किताब में हमको दिखाई देता है। निर्गमन 29वां अध्याय 39वां वचन को हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, निर्गमन 29:39। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय, याजक को यह कहा गया था एक भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय, और दूसरे भेड़ के बच्चों को गोधूली के समय अर्थात शाम के समय 6 बजे के लगभग के समय उसे चढ़ावा चढ़ाना। आगे देखो वचन कहता, एक भेड़ के बच्चे को सुबह, एक भेड़ के बच्चे को शाम को चढ़ाना, दिन में 2 बार। इब्रानी की किताब में हमने कहा प्रतिदिन याजक चढ़ाता था, दिन में 2 बार प्रतिदिन। उसी का आई थिंक 40 वर्स को आप पढ़ो, देखो क्या लिखा है, 42 वर्स को पढ़ो। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। कब कब चढ़ाना, पीढ़ी से पीढ़ी तुम्हारी, यानी आपके दादा भी बलिदान चढ़ाते रहेंगे, आपके पापा भी बलिदान चढ़ाते रहेंगे, फिर बच्चे भी बलिदान चढ़ाते रहेंगे। इसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ऐसे ही बलि को चढ़ाना। नाउ याजक ईमानदारी से रोज अपने घर के अपने तंबू में से निकला करता था और जहाँ पर भेड़शालाओं को वो रखते थे वो भेड़शाला के जगह में याजक जाता और वहाँ से जैसे लिखा हुआ था, जैसे नियम शास्त्र में लिखा था, ऐसे जरूरत के अनुसार उत्तम क्वालिटी की भेड़ जिसमें दाग नहीं, लंगड़ा लूला अपाइज नहीं, ऐसे उच्च क्वालिटी की भेड़ के पहले वर्ष के बच्चे को लेता था और लेने के बाद में यह मन में सोच के आता था कि भोर का यह बलिदान परमेश्वर स्वीकार करेगा। फिर शाम को जाता, फिर एक अच्छा चुनता, फिर लेकर आता है, फिर शाम को बलिदान चढ़ाता है, दूसरे दिन चढ़ाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बलिदान चढ़ाने के बाद इब्रानी का लिखने वाला कहता वो बलिदान पाप क्षमा नहीं कर सकता था। क्या आप समझ पा रहे कितनी दुर्दशा थी मनुष्य की, पापों से छूटने का कोई रास्ता नहीं था, इतने ढिटाई के पाप थे, इतने भयंकर रीति से मनुष्य के जीवन से चिपके हुए थे और उसका इलाज किसी चीज में नहीं था। आप देखोगे यदि अध्ययन करोगे इतिहास में तो आपको पता चलेगा लोगों ने अपने बच्चों का बलिदान किया, लोगों ने क्या कुछ नहीं किया पापों से प्रायश्चित पाने के लिए, मगर इब्रानी का लिखने वाला कहता सुनो जानवर बकरों और बछड़ों के लहू में दम नहीं था मनुष्य के पापों को क्षमा करने में। मैंने कहा प्रभु जब इब्रानी का लिखने वाला कहता है याजक बलिदान करते करते थक गए मगर उसमें दम नहीं था तो आप कौन से बलिदान के द्वारा मेरे पापों को आपने क्षमा कर दिया, आपने क्या कर दिया जिससे मेरे अधर्म अपराध पाप क्षमा कर दिए गए। बाइबल का वचन ने कहता तू जय जयकार कर आनंद कर क्योंकि तेरा दंड दूर कर दिया गया है।
तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैंने पूछा प्रभु आपने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने पूछा प्रभु आपने क्या किया, प्रभु ने कहा बेटा मैंने अपना एकलौता बेटा तेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। सुनो ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता जिस तरीके से प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, भेड़शाला में जैसे भेड़शाला में जैसे जानवर रखे रहते थे और याजक प्रतिदिन आकर उन जानवरों में से अच्छे जानवर को चुन के निकालता था ये सोचकर कि ये वाला बलिदान परमेश्वर स्वीकार करेगा, याजक की इन क्रियाओं को दूर परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ देख रहा था, मनुष्य के तड़पन को पाप से छूटने के परमेश्वर देख रहा था। और तब परमेश्वर ने प्लान किया और प्लान में यह था भेड़ बकरियों के बच्चे के बलिदान के द्वारा नहीं मगर अपने खुद के बेटे के बलिदान के द्वारा मैं मोसेस के पापों को क्षमा करूंगा, अपने खुद के बेटे के बलिदान के द्वारा मैं अपनी बेटी अपने बेटे के पापों के को क्षमा करूंगा। और तब आपको मालूम वो राजाओं का राजा परमेश्वर उसने अपने एकलौते बेटे को राजमहल में नहीं पैदा किया मगर उसने उन्हीं जानवरों के बीच में अपने बेटे को पैदा किया जिन जानवरों के बीच में बलिदान के पशु को मनुष्य ढूंढ रखा था, उन्हीं जानवरों के बीच में परमेश्वर ने कहा सुन अब की बार जब तू बलिदान का पशु ढूंढने जाएगा तुझे जानवर का बच्चा नहीं मगर बैलों के चरनी में मेरा बेटा मिलेगा जिसके बलिदान के द्वारा एक बार का हमेशा के लिए मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के बलिदान में ढिटाई के पापों की क्षमा है। चाहे तेरे पाप लाई के समान लाल क्यों ना है, इस प्रभु ने कहा वे बर्फ के मानिंद सफेद कर दिए जाएंगे। ये लाई के समान लाल बर्फ के मानिंद सफेद कैसे होंगे, बाइबल का वचन कहता प्रकाशित वाक्य में मैंने एक बड़ी सेना को देखा जो मेमने के लहू से धुलकर श्वेत वस्त्र पहने हुए थी। अरे लहू से धुलने के बाद श्वेत कैसे हो गया वस्त्र, लाल लाल क्यों नहीं हो गया ना, यीशु मसीह का लहू से जो धुलता है वो लाल नहीं होता वो श्वेत हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। और यहां पर जो बातें मैं आपको बता रहा परमेश्वर का वचन हमसे बताता है परमेश्वर ने यह अद्भुत प्लान किया, उसी बलिदान के पशु के जगह पर अपने बेटे को भेजा ताकि उसके बलिदान के द्वारा हमारे अधर्म अपराध पाप क्षमा किए जाए और लाई के समान लाल पाप बर्फ के मानिंद सफेद कर दिए जाए। पूरब से पश्चिम जितना दूर है इतने दूर मैं तेरे गुनाह कर दूंगा प्रभु कहता है। कैसे करोगे प्रभु आप, बेटा मेरे बेटे का बलिदान बीच में आके खड़ा होगा, मेरे बेटे का लहू तेरे और तेरे गुनाहों के बीच में आके खड़ा होगा और जब मेरे बेटे का लहू बीच में आके खड़ा हो जाता है तो पाप और मोसेस अलग हो जाता है, गुनाह अपराध और एक मनुष्य अलग हो जाता है, वो लहू बीच में आकर खड़ा हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान, परमेश्वर का ये सुंदर प्लान आपके और मेरे लाइफ के लिए है। ध्यान से सुनो बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता इसके 32वें अध्याय के पहले दूसरे वचन में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता, मैं आपको कुछ बताना चाहता, पढ़ेंगे क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। मालूम दाऊद ये लिखता है क्योंकि अपराध क्षमा करने को उसने चख लिया, उसने बुरा अपराध किया था और आज वो इस धन्यता को समझकर आपको और मुझको लिखते हुए कहता है क्या ब्लेस्ड है वो आदमी। वो ये नहीं कहता जिसके पास अब जो में धन है वो आदमी ब्लेस्ड है, वो ये भी नहीं कहता जिसका नाम शोहरत है लोगों में समाज में जिसका आदर है वो धन्य है, मगर मालूम वो किसको धन्य कह रहा, वो कहता वो इंसान धन्य है जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया हो, जिसके पाप क्षमा कर दिए गए। थोड़ा शब्दों की ओर ध्यान देना, फिर से पढ़ेंगे आप जरा ध्यान से सुनना, पढ़िए क्या ही धन्य है वह हाँ जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढापा गया हो। आज एक बात जान लो, हम अपनी बुद्धिमानी से शातिर बुद्धि से
हम अपने पाप छिपा सकते हैं, समाज को पता नहीं चलेगा, माँ बाप को पता नहीं चलेगा, दुनिया को पता नहीं चलेगा। आप सफल हो सकते हो और एक आदर और इज्जत की मौत लोगों के सामने आप मर सकते हो, जहां लोग आपके लिए बड़ी बड़ी तारीफ की बातें करेंगे और आप पाप छिपाकर लोगों को बिना पता चले मर सकते हो। आप सफल हो सकते हो पाप छिपाने में, मगर मेरी बात सुन लो, आप और मैं अपने पापों को छिपाए उसमें सफलता नहीं है, मगर सफलता वहाँ है जहाँ परमेश्वर हमारे पापों को छिपा ले। मेरी बात सुन लो, समझ लो, अपने आप से छिपाने की कोशिश मत करो। इसका ये मतलब नहीं कि पास्टर मोसेस आपसे ये कह रहा दुनिया भर बताते फिरो आपने क्या पाप किया है। नहीं नहीं, मैं आपसे वो नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना। कितना भी जिद्दी पाप होगा, कितनी भी बुरी आदतें होगी, सच्चे दिल से मान लेना मेरे से गलती हो गई प्रभु, उस अवसर में मैं टिक नहीं पाया, उस समय में पिता मैं टिक नहीं पाया, मैं गिर गया पिता, मेरे से गलती हो गई पिता, मुझे क्षमा करो, मुझे एक और बार उठाकर खड़ा करो। वो सच्चे दिल की प्रार्थना, वो सच्चे दिल की तड़पन, परमेश्वर का ढापने वाला अनुग्रह हमारे लिए रिलीज होता है और परमेश्वर हमारे अधर्म को ढाप लेता है। दाऊद ने गलती किया था व्यभिचार का, दाऊद ने गलती किया था मर्डर का, मगर एक दिन वस्त्र फाड़कर राख में गिरकर परमेश्वर के सामने आंसू बहाने लगा, परमेश्वर के सामने रोने लगा, और जब रो रो कर पश्चाताप किया परमेश्वर ने उसके अपराधों को क्षमा किया। और आज वो दाऊद हमसे कहता है सुनो जय जयकार करो, वो दाऊद हमसे कहता क्या कि धन्य है वो जिसके पाप क्षमा किए गए हैं और जिसके अधर्म ढाक लिए गए हैं, ढाक लिए गए हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह के लहू आपके मेरे अपराधों को ढाक लेने के लिए तैयार है और वो पर्याप्त है। जिसके पाप यीशु के लहू में ढाके गए उसे परमेश्वर बाप स्मरण नहीं करता। यीशु मसीह के बलिदान में बाइबल का वचन बहुत क्लियर कहता है जिसने यीशु मसीह के बलिदान के आड़ में अपने पापों की क्षमा पा ली है और एक बार परमेश्वर ने जिसके गुनाह अपराधों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा उसको स्मरण भी नहीं करता। क्या मतलब है इसका? उसको स्मरण नहीं करता अर्थात वो ढाप लिया गया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही बात जो भजन संहिता 32 के पहले दूसरे में लिखी है, यही बात रोमियो 4:7 में भी लिखी है, नए नियम में ओल्ड टेस्टमेंट में दोनों में ढापे जाने के विषय में लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनो, मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा जीसस जब आप स्वर्ग से पृथ्वी पर आए तो आपके विषय में बाइबल कहती है वो तो भोर का चमकने वाला तारा था, सुंदर, सर्वांग सुंदर, खूबसूरत, मेरा परमेश्वर, जिसे स्वर्गदूत देखकर उसके आगे औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं, तेजो में पवित्र ज्योति में रखने वाला सुंदर विशाल परमेश्वर। वो जब मनुष्य बन के स्मृति पर आया जिसके सामने लाखों स्वर्गदूत औंधे मुंह के बल गिर के दंडवत करते हैं, जिसके सामने स्वर्गदूत महिमा के गीतों को गाते हुए चरुबीम ऊपर से घूमते हुए अपने मुंह को पंखों से ढाक लेते हैं, देखने नहीं पाते, जिसके सामने 24 प्राचीन औंधे मुंह के बल गिर जाते हैं, वो परमेश्वर के लिए लिखा है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण किया। मैंने कहा पापा अपने आप को इतना शून्य क्यों किया आपने? मालूम आपको कितना शून्य किया? कि अब यही इंसान परमेश्वर के मुंह पर देखकर थूकता है मगर मरता नहीं है, अब यही इंसान उसके मुंह पर खींच के तमाचा मारता है मगर मरता नहीं है, अब यही इंसान उसको पीछे से लात मारता है मगर मरता नहीं है, उसके पसली में भाला मारता है मगर मरता नहीं है, जबकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था इंसान मुझे देखकर जी नहीं सकता, अब वही परमेश्वर ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि इंसान देखने से नहीं मर रहा, इंसान उसको मारने से भी नहीं मर रहा। मैंने कहा प्रभु इतना बदलाव क्यों? प्रभु ने कहा बेटा इसलिए क्योंकि मैं पृथ्वी पर तुझे मारने के लिए नहीं आया था, मैं पृथ्वी पर तुझे बचाने के लिए आया था और तुझे एक मैसेज देने आया था
तू जय जयकार कर, आनंद कर, तू खुशी से गा नाच, क्योंकि तेरा दंड दूर कर दिया गया है। हाँ, तूने यीशु मसीह के मुंह पर तमाचा मारा, मगर तेरा दंड दूर कर दिया गया। हाँ, तेरे अधर्म के कारण यीशु क्रूस पर लटक गया, मगर तेरा दंड दूर कर दिया गया है। यीशु मसीह में आपके और मेरा इलाज हो गया है, आपका और मेरा इलाज हो गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान, सुंदर परमेश्वर की योजना है। सुनो, सुनो ध्यान से, मुझे आज भी याद है, 3 मार्च रात 8:30 बजे मैंने एक दर्शन को देखा, और उस दर्शन में मैंने देखा वे लोग यीशु मसीह को मार रहे थे। चाबुक की रस्सियां थी, उन रस्सियों के आखिरी भाग में 3-3 हुक ऐसे 3 रस्सियों में लटके हुए थे, ऐसे चार चार हुक लटके हुए थे, ऐसे 12 हुक लटके हुए थे। और उन लोगों ने यीशु मसीह के बदन पर चाबुक मारा, और जब उन्होंने खींचा तो यीशु मसीह के बदन में से मांस का टुकड़ा बाहर निकल के आया। मैंने देखा वे कुछ मांस के टुकड़े यीशु मसीह के बदन में से मांस के पतले तारों पर से लटक रहे थे। पूरे बदन में से मांस के बड़े बड़े टुकड़े यीशु मसीह के देह में से लटक रहे थे। कुछ टुकड़े उस चाबुक में निकल कर जमीन में गिर गए। जब उन्होंने उस हाल में यीशु मसीह को लेकर गया, किसी ने पीछे से लात मारा, यीशु मसीह जमीन पर रगड़ कर घसा, और जब रगड़ा तो यहां के मांस के टुकड़े जो लटके हुए थे वो टूटकर मट्टी में घुस गए। यीशु मसीह के देह से मांस के टुकड़े निकलने लगे, और तब मैंने देखा परमेश्वर बाप वहां से आया और सारे मांस के टुकड़ों को वो बटोरने लगा। जब उन्होंने यीशु को बुरी रीति से मारा था ना, तो उसके बदन में से नसें फटने के कारण धाराओं के नाई लहू बह रहा था, सर लहू बह रहा था, और उन लहू की धाराओं में परमेश्वर बाप उन मांस के टुकड़ों को धोने लगा। एक एक टुकड़े को साफ करके उस लहू में वापस यीशु मसीह के बदन में वो चिपका रहा था। मैं इस अजीब दृश्य को देख रहा था, तब उस समय में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मोसेस तुझे समझ पड़ता ये क्या है? और तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, वो मांस के टुकड़े और कोई नहीं है, मगर वो मांस के टुकड़े तू है मोसेस। ये वो उसके भटके हुए बेटे बेटियां गए मांस के टुकड़े, क्योंकि बाइबल का वचन जब खुलासा यीशु मसीह की देह का जब खुलासा न्यू टेस्टमेंट में होता है, तो वहां लिखा गया हम सब अंग अंग मिलकर मसीह की देह है। हम यीशु मसीह में थे, मगर एक दिन उन चाबुकों के नाई संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमन के रस्सियों से लिपटे हुए चाबुक ने जब वो यीशु मसीह की देह में से हम मांस के टुकड़े अर्थात हम मनुष्य को खींच लिया, तो हम यीशु को छोड़कर हम दुनिया में निकल गए, मिट्टी पलित तो हो गए, संसार के मलिनता में जाकर हम मिल गए थे, हम उसके बदन का हिस्सा, हम संसार की मिट्टी और गंदगी और पाप में मिल गए थे। मगर मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मोसेस जब तू गंदी मिट्टी में और मैले जीवन में पड़ा हुआ था, परमेश्वर बाप ने तुझे मिट्टी का इंसान करके कभी नहीं देखा, मगर परमेश्वर बाप ने तुझे अपने बेटे का बदन करके देखा है, तुझे अपने बेटे के बदन का हिस्सा करके देखा है। इसलिए पिता ने तुझे फेंक नहीं दिया, इसलिए पिता ने अपने बेटे के शरीर को चंगा करके ये नया मांस नहीं भर दिया, जैसे जैसे आदम के फसली में से हड्डी निकाल कर मांस डाल दिया, ऐसे यीशु मसीह की देह में मांस नहीं डाल दिया, मगर यीशु मसीह की देह में हमें उसके लहू से धोकर वापस यीशु मसीह में ला दिया है। और अब जब हमको यीशु में ला लिया ना, तो हमसे कहता मोसेस जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तेरा दंड दूर कर दिया गया है, उसके लहू में तू धोकर साफ कर दिया गया है। आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने में। यीशु मसीह ने हमारे लिए इलाज कर दिया गया। आपको पता है प्रेरितों के काम की किताब की शुरुआत में चेले लोग आसमान की ओर देखते रहे जब यीशु मसीह ऊपर आसमान की ओर उठा लिया गया, और तब बादल में वो छिप गया, और 2 स्वर्गदूत आए और कहने लगे जैसे तुमने यीशु को जाता हुआ देखा ऐसे एक दिन वो बादलों पर फिर आएगा। और तब चेले ऊपर की अटारी पर चले गए,
वहां से आगे प्रेरितों के काम की किताब में चेलों की कहानी है, मगर जब आप इब्रानी को पढ़ना शुरू करते गए तो इब्रानी वहां से आगे क्या हुआ वो देख रखा है। प्रेरितों के काम की किताब वाले चेलों के साथ क्या हुआ वो लिख रखे गए, मगर इब्रानी वाला यीशु मसीह बादल के उस पार जाने के बाद क्या हुआ वो लिख रखा है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। तो जब वो लिख रहा तो कहता उस बादल के पार यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गया और वो आपके और मेरे लिए लगातार विनती करता है। नंबर वन, पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर मुझ मोसेस के लिए वो विनती करता है, मेरे पाप मेरी बुराइयों के लिए, मेरे क्षमा के लिए, मेरे जीवन पर अनुग्रह के लिए, मुझे संपन्न बनाने के लिए, मुझे ज्ञान समझ प्रवीणता निपुणता का आत्मा मेरे लिए रिलीज करने के लिए लगातार वो विनती करता रहता है पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर। और नंबर टू, दूसरी बात बाइबल का वचन बताता है, ध्यान से सुनना, दूसरी बात बाइबल का वचन बताता है, वो अपना लहू लेकर हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं जो मूसा ने बनाया, मगर वो अपना लहू लेकर उस असली तंबू में जो मूसा ने देखा था यीशु मसीह चला गया और परम पवित्र स्थान में अपना लहू लेकर मेरे लिए वो गया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह अपना लहू लेकर स्वर्ग में गया। मैंने कहा जीसस, ऊपर की अटारी पर जब आप चेलों के साथ में बैठे हुए थे और आप आखिरी प्रभु भोज को ले रहे थे, तो उस ऊपर की अटारी पर प्रभु भोज को लेने के समय आपने चेलों से कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह रोटी को तोड़ रखा था और कहता, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। मैंने कहा जीसस, आपने तो कहा था कि लहू मेरे लिए बहाया गया, तो मैं तो पृथ्वी पर हूँ, फिर आप अपना लहू लेकर स्वर्ग में क्यों गए? लहू तो मेरे लिए बहाया गया, तो आप स्वर्ग में क्यों गए? पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसलिए यीशु लहू लेकर स्वर्ग में गया क्योंकि स्वर्ग में एक लेखे की पुस्तक है, जो भी कुछ तू अपने जीवन में करता है उसका हिसाब लिखा जाता है, हर एक बातों का हिसाब लिखा जाता है। दुनिया से छिप कर करो जो करो, मगर हर बातों का हिसाब लिखा जाता है लेखे की पुस्तक में लिखा हुआ है। आप देखो यीशु मसीह ने खुद ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय के 36वां वचन पढ़ेंगे हम, यीशु मसीह खुद इसके विषय में क्या कहता है, ध्यान से सुनो, मत्ती इसका 12वां अध्याय का 36वां वचन हम पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे, हाँ, मत्ती 12वां अध्याय का 36वां वचन, और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कह रहा, और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ध्यान से सुनना, जो जो इंसान बोलेगा न्याय के दिन हर एक बात का लेखा होगा, हर एक बात। मैंने कितनी बातें बोला मैं तो भूल गया, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता हर एक बात का लेखा होगा। तो ये हर एक बातों का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? जो भी बातें हम करते हैं निकम्मी, वो कहां लिखा जाता है? देखिए मलाकी की किताब खोलिए, मलाकी की किताब 3rd chapter verse 16 वचन, मलाकी की किताब इसका 3rd chapter verse 16 वचन, विश्वासियों के विषय में, परमेश्वर के भय मानने वालों के विषय में क्या लिखा है देखिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था सुनो, यहोवा के भय मानने वाले जब बातें करते हैं प्रभु सुनता है। क्या सुन, आगे पढ़ो, और जो यहोवा का भय मानते हा? और उसके नाम का सम्मान करते थे हा? उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, एक पुस्तक लिखी जाती है कह रहा है। इसका मतलब जो भी हम बातें करते हैं, जो भी यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें करते हैं, सब लिखा जाता है।
आप अपने पास्टर के विषय में क्या बात करते लिखा जाता है, आप अपने माँ बाप के विषय में क्या बातें करते लिखा जाता है, आप किसी के विरुद्ध में अपने भाई बहनों के विषय में क्या बातें करते हैं लिखा जाता है। बाइबल का वचन साफ कह रखा, परमेश्वर के सामने एक पुस्तक है जहां सब कुछ क्या हम बोलते हैं लिखा जाता है। और यीशु ने मत्ती में कह दिया, हर एक निकम्मी बातें जो हम बोलते हैं उसका लेखा न्याय के दिन हमें देना पड़ेगा। ओ सुनो, पढ़िए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य इसका 20वां अध्याय आपको कुछ दिखाना चाहता, 20वां अध्याय का 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, जिस सिंहासन पर से न्याय होता है। हाँ, और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई। अरे सुनो, मलाकी वाला बोला एक पुस्तक लिखी जाती है, मगर प्रकाशित वाक्य तक पुस्तकें हो गई, अनेक भाषा हो गया। क्या है इसका मतलब मालूम? हमने तो इतना बोले गए कि एक पुस्तक में समा नहीं सकता, इतनी चुगली चपाटियां किए हैं, इतना दूसरों के खिलाफ बातें किए हैं, इतना मुंह के सामने मीठे रहकर पीठ के पीछे कड़वे कड़वे बोल बोले गए कि एक पुस्तक नहीं पुस्तकें भर गई है। बाइबल का वचन कहता है और वचन कहता पुस्तकें खोली गई और उसके अनुसार हर एक का न्याय होने लगा। सुनो, आज मैं 43 इयर्स का व्यक्ति हूं, 43 इयर्स में न जाने कितनी पुस्तकें मेरे बोलने के द्वारा मैंने भर दिया होगा, न जाने कितनी निकम्मी बातें मेरे मुख से निकली होगी। और अब ये तो सिर्फ बातों के विषय में है, करतूतों का क्या, हरकतें जो हमने की उसका क्या, नजरों से जो हमने देखा उसका क्या, मन की कल्पनाओं में जो हमने सोचा उसका क्या। आप सोच के देखो, कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है, जो काम तू गुप्त अंधेरे में करता है वो सब परमेश्वर के सामने खुला है। वचन कहता है सारी बातें खुली और नंगी है परमेश्वर के सामने। सुनो मेरी बात, उन सारी बातों के अनुसार इस मोसेस का न्याय होना लिखा हुआ था, मगर देन सडनली प्रभु आकर कहता मोसेस जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा, हाँ तेरे खिलाफ पुस्तकों में लिखा था, पुस्तकें नहीं पुस्तकें के पुस्तकों पुस्तकों में लिखा हुआ था मोसेस, तेरे खिलाफ कई किताबें भरी भी थी, मगर सुन तू जय जयकार कर। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों जय जयकार करूं? बोले इसलिए क्योंकि यीशु अपना लहू लेकर स्वर्ग में पहुंचा है। और मालूम उस यीशु मसीह ने, सुनो ध्यान से, उस यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा मेरे लिए कुछ इलाज कर दिया है। पहले जब मैं इन बातों को पढ़ता था तो मेरे मन में सवाल आता था, मैं अपनी आंखों के सामने देखता था, मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा हूं, और न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़ा हूं तो मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं और प्रभु ने कहा मोसेस की पुस्तकों को लेकर आओ, और न जाने कितना बड़ा पिटारा आएगा, न जाने कितने कंटेनर आएंगे, कितना मैंने बोला है, कितनी हरकतें मैंने किया है, किताबों का ढेर आएगा पुस्तकों का, और उसके ऊपर नाम तो लिखा होगा रेवरेंड मोसेस डेविड, मगर एक एक पन्ने मेरे जीवन की बुराइयों के विषय की चर्चाएं वहां पर लिखी होगी, कहां मैंने परमेश्वर की आज्ञा छोड़ दिया, कहां मैंने परमेश्वर को दुखी किया, कहां मैंने लोगों के खिलाफ प्लान किया, कहां मैंने मन की कुटिलता का जीवन जिया, कहां खुदगर्जियों के द्वारा बर्ताव किया, नाना प्रकार की बातें पुस्तक में से निकल आएगी। जब उन बातों के विषय सोचता था मेरा दिल डरता था, मगर जब यह वचन मुझे मिला आज मैं रिजॉइस करता हूं क्योंकि मेरा इलाज हो गया है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसा हुआ इलाज? पहले मन में सोचता था क्या खुलेगा क्या खुलेगा क्या खुलेगा, मगर अब मालूम, अब मुझे यह मालूम है जब मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहूंगा तो पुस्तकें तो आएगी, उसके ऊपर नाम भी मेरा लिखा हुआ होगा, मगर जब स्वर्गदूत उसे पलटाएगा खोलेगा और बोलेगा, एक के बाद एक किताबें खोलेगा पलटाएगा, तब शायद वो परमेश्वर बाप को आवाज देकर कहेगा पिता नाम तो मोसेस का है मगर अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, सब
कुछ यीशु के लहू में ढक चुका है। सिर्फ यीशु का लहू दिखाई देता है, लाल सब यीशु का लहू से रंग गया है और कुछ भी बुरा मोसेस का दिखाई नहीं देता, सब लहू में ढका हुआ है। सुनो, जिसके पाप परमेश्वर ढाक ले वो धन्य है, जो खुद ढाके वो धन्य नहीं, जिसके पाप परमेश्वर ढाके वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। आज मैं आपको पूछना चाहता कि आपको खातरी है आपके पाप ढाक लिए गए हैं? क्या आपको खातरी है आपके पाप छिपा दिए गए हैं? बाइबल का वचन बहुत क्लियर कह रहा, जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया। मैंने कहा आपने क्या किया? वो कहता बेटा मैंने उस लहू को जो तुझसे कहा ये तेरे लिए बहाया गया, उसे लेकर स्वर्ग में गया और तेरी पुस्तकों पर उसे उंडेल दिया, एक भी बूंद अपने शरीर में बाकी नहीं रहने दिया। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक कतरा कतरा लहू का बहा दिया मोसेस तेरे पापों को क्षमा करने के लिए। और आज मेरे लिए कुछ बाकी रह गया, वो है जय जयकार, आनंद, उत्साह और आनंद से गीतों को गाना और नाचना, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा दंड दूर कर दिया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आपकी पुस्तक के सामने भी खड़ा है और वो आपके मुंह से एक शब्द सुनने के लिए रुका हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, उस पुस्तक पर यीशु लहू कब उंडेलता है? उन पुस्तकों पर जब आपके मुंह से एक शब्द निकलता है। पहला यूहन्ना निकालेंगे, मैं आपको बताना चाहता, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का नौवा वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय नौवा वचन में क्लियर करता है पर यीशु मसीह किन बातों के लिए, क्या सुनने के लिए आपके मुंह से रुखा हुआ है। ध्यान से सुनो, पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, छिपाए नहीं, मान ले, हाँ मैंने पाप किया, मैंने गलती हो गई पापा, मेरे से पाप हो गया, मैं नहीं टिक पाया, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो पापा, सच्चे दिल से अपनी कमजोरियों के लिए प्रभु के सामने क्षमा मांगना। ये मोसेस ने बहुत गलत काम किए मगर प्रभु से माफी मांगा और उसका लहू मेरे लिए उपलब्ध हो गया। वही लहू आज आपके लिए उपलब्ध है और ये लहू बकरे और बछड़ों का नगी, जिसके विषय में याजक कहता उसमें दम नगी है, मगर ये लहू एक लौते बेटे का, यीशु का लहू है, जो सर्व सामर्थ्य लहू है। और याजक उसे नहीं उंडेल रहा, यीशु खुद उंडेल रहा है अपनी मोहब्बत में आपके खातिर। देखो वचन क्या कहता, फिर से पढ़ेंगे, पढ़िए, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो शब्द की ओर ध्यान देना, तो यदि हम पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब अधर्म, जब से आपकी समझ खुली और आज तक जितना पाप आपने किया होगा, सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यीशु। वाओ, किसी पापी का लहू नहीं, एक धर्मी का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया कि हम धर्मी ठहराए जाए। इसलिए सफन्या पे ये रेवलेशन आया, जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। देखो एक आखिरी वचन आपको पढ़ाऊंगा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का पहला वचन, ब्यूटीफुल वर्स है, इसको आप रिसीव कर लो अपने लिए, आप न्याय से बच जाओगे, दंड से बच जाओगे, न्याय के दिन लेखे की पुस्तक आपको रुलाएगी नहीं, मगर न्याय के दिन आप नाचते गाते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। देखो क्या कहता है वचन, हाँ, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अर्थात जिसने अपना जीवन यीशु को दे दिया, जिसने पापों की क्षमा मांग ली है, जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, अतः अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वाओ, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं,
उनने गलती किया था, उन्होंने पाप किया था, उन्होंने बुराइयां की थी, समाज उन्हें गंदी नज़र से देखता है, मगर ये इंसान जो गंदा और मैला था ये दुनिया में से निकल कर यीशु में आ गया, इसने पापों की क्षमा मांग लिया। और जब यीशु में आ गया तो वचन कहता अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब न्याय का दिन उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि उस पर दंड की आज्ञा ही नहीं है, इसलिए उसके लिए अब क्या बाकी रह गया, अब जय जयकार करना, आनंद करना बाकी रह गया। इसलिए तो सफन्या का लिखने वाला कहता जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, परमेश्वर ने दंड दूर कर दिया। यीशु मसीह के इस बलिदान से अनजान मत रहो, ऐसे ही दुनिया में भटकते मत रहो, हटीले मन में परमेश्वर से दूर मत रहो। कौन से समाज, कौन से धर्म में आप पैदा हुए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, मगर कोई भी आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। लोग बहुत तेरे आए पापियों को मार डालने के लिए आए, मगर यह एक यीशु आया है पापी को बचाने के लिए, और वो आज आपसे कहता है मेरे बच्चे एक बार अपने अपराध को सच्चाई से मान ले, मैं अपना लहू उंडेल दूंगा और तेरे अधर्म सदा के लिए मिटा दिए जाएंगे, और तेरे लिए जय जयकार और आनंद बाकी रहेगा। सफन्या की किताब 3:14-15 वचन, जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। अगले सेशन में हम देखेंगे जहां आगे का पाठ कहता है और उसने तेरे शत्रु को तुझसे दूर कर दिया, कैसे किया उसके विषय में हम देखेंगे। मगर यह समय वचन बंद करने से पहले, यदि आज तक आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, यदि आज तक आपने अपने पापों की अंगीकार नहीं किया है, तो यह सबसे सुंदर समय है। आज आप जीवतों के जमीन पर जिंदा हो, यह सुंदर समय है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। और यदि इस वचन को सुनकर इस बड़े उपकार में, इस बड़े योजना में आप शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे पीछे पीछे ये छोटी प्रार्थना सच्चे दिल से बोलो, हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपके वचन को सुना है, प्रभु यीशु मैंने गलती किया, जानबूझ के पाप किया, आज मैं अपने पापों को मान लेता हूं, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं टिक नहीं पाया, पाप की घड़ी में मैं गिर गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे यीशु, और एक और बार लेके की पुस्तक में लहू को उंडेल दे, मैं अपने अपराधों को मान लेता हूं और उसे छोड़ देता हूं, और यहां से घोषणा करता मैं यीशु का हूं और यीशु मेरा है। रोमियो 8:1 पहले वचन के अनुसार मैं यीशु मसीह में लाया गया हूं, मैं विश्वास करता हूं, पाप क्षमा करके मैं यीशु में ला लिया गया हूं। आमेन, आमेन। ये एक छोटी सी प्रार्थना, सच्चे दिल की प्रार्थना, न्याय के दिन को आनंद में बदल देती है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन। We hope that you've been blessed by today's service. अगर आप किसी को जानते हैं जो एक कठिन दौर से गुजर रहा है और वो आज की सर्विस से लाभ उठा सकता है, तो उनके साथ इस सर्विस को जरूर शेयर करें। If you have any prayer request or testimony or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye. Thank you.
है।